में क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग जो बेसिक में पढ़ेंगे वो है हाथ की बनावट। ये जो होल स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है किस तरीके का होता है और उसका क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो उस उन बारे में ये बताया जाता है बेसिक में। ठीक है, जैसे हाथ में किस किन किन तरहों के शेप हो सकते हैं। एक होता है चौकोर हाथ, स्क्वायर। एक होता है पॉइंटेड हाथ, बिल्कुल ऊपर की ओर इस तरह से पॉइंटेड नुकीला हाथ। और कई हाथों में आपको दिखेगा कि उंगलियां छोटी होती हैं और हथेली की चौड़ाई लंबाई ज्यादा होती है। कई हाथों में उंगलियां लंबी होंगी बहुत ज्यादा और हथेली का जो है आयतन जो है या उसका जो पूरा एरिया है वो छोटा होगा। ठीक है, अंगूठा भी आता है क्योंकि बाकी पांच उंगलियों में अंगूठा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक तरह का बैलेंस फोर्स है। पूरे हाथ को अगर बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो ये एक पोर्शन अलग बन जाता है, ये वाला अकेला अंगूठा एक अलग पोर्शन बन जाता है जो पूरे हाथ में तीन चौथाई को अपने ऊपर रखता है। पूरे हाथ में तीन चौथाई वजन इस अंगूठे के ऊपर रहता है और यही वो चीज है जो आपके हाथ में ग्रिप बनाती है, मुट्ठी बन सकती है। ठीक है, तो अंगूठा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अंगूठे में किसका अंगूठा ज्यादा झुका हुआ है, सामने की है पीछे की ओर है, ये बहुत सारी बातें हैं। ये सारा जो है मॉड्यूल हम लोग, ये सारा जो टॉपिक है हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल यानी बेसिक पामिस्ट्री में हम सीखते हैं। उसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कैसे कैसे देखते हैं, जैसे ये उंगली जो है ये गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है, शुक्र की उंगली है। इतना तो आप लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब में या दूसरे प्लेटफॉर्म में देखे के बहुत कुछ सीख लिया होगा, ओवरऑल थोड़ा बहुत अंदाज जो मिला होगा। अब इन पांचों को छोड़कर बाकी कौन सा रह जाता है, चंद्रमा जिसका एरिया ये वाला है, मंगल जो कि तीन भागों में बटा हुआ है हाथ में, इसको कहते हैं रक्षात्मक मंगल, इसको कहते हैं आक्रामक मंगल, और बीच का हिस्सा मंगल का मैदान। मंगल के मैदान के ठीक नीचे जो ये वाला हिस्सा आता है, ये त्रिभुजाकार होता है, या ये थोड़ा सा बड़ा और ले ले, यहाँ से इस तरह से आता है, ये होता है राहु, और नीचे वाला ये वाला हिस्सा होता है केतु। ठीक है, उसी प्रकार से गुरु की उंगली के नीचे वाला हिस्सा गुरु का पर्वत, शनि की उंगली के नीचे वाला हिस्सा शनि का पर्वत, सूर्य की उंगली के नीचे वाला सूर्य का पर्वत, और बुध का पर्वत, ये हो गया शुक्र का पर्वत। इन सब का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग इसके मतलब इसकी जो बनावट होती है उस बनावट के हिसाब से उस व्यक्ति के गुण के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर किसी का बृहस्पति उच्च उच्च का है, उठा हुआ सा है, पफिंग है, जैसे तकिए के समान सूजन सा हुआ है, हो रखा है, ठीक है, और रेडिश है, पिंकिश है, दिख रहा है ज्यादा, तो ऐसे लोगों का बृहस्पति बहुत फलित होता है। फलित इन द सेंस कि ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ इनके पास ना धन कमाने के बहुत सारे सोर्स आ जाते हैं। मतलब समझ लीजिए कि ऐसे लोग समृद्ध घर में पैदा भी होते हैं और समृद्ध रहते हैं आजीवन। या किसी ऐसे इंसान के हाथ में दिख रहा है जो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर टॉप तक गया हो। ठीक है, बृहस्पति हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद जो समृद्धि दायक जो हाथ में प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र का एरिया बहुत सुंदर है, सुगठित है, कोई भी ज्यादा वहां पर रेखा नहीं है, साफ सुथरा है, और उसका भी कलर अगर पिंक है तो वो भी काफी समृद्धिदायक होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं चंद्रमा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि ये आपका मन को दिखाता है, यानी आप मानसिक रूप से कितने ज्यादा स्ट्रांग है। मस्तिष्क रेखा तो आपके मन की मतलब माइंड के क्वालिटी को दिखाएगा, मस्तिष्क रेखा जो है, ठीक है, कि आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं। लेकिन चंद्र का पर्वत जो है ना, वो आपके इमोशनल माइंड को पकड़ता है, यानी ये वाला पोर्शन जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ये वाला पोर्शन, ऐसा व्यक्ति उतना इमोशनली स्टेबल रहेगा। और कईयों के हाथ में आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा बिल्कुल ही पतला होता है, दबा होता है, तो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है, जल्दी टूट जाते हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में, वो जो है बिल्कुल इमोशन में बह जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि
प्लानिटरी पोजीशन जो हाथ में बना हुआ है, पर्वतों की स्थिति की कैसी है, वहां पर किस तरह की रेखाएं और अलग अलग के वो बनते हैं, इमेजेस बनते हैं, उसको भी देखना होता है। वो पूरी तरह से हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं।